देखो ये स्नो पड़ी है कल रात को भाई, भाई क्या दिख रहा है यहाँ से? तो सबसे ज़्यादा नदरूना इसी लेक में से निकलता है, एशिया का सबसे गहरा लेक है। इरफान, साहिल, आसिफ, हेलो कर दो। अभी जो हम हैं, हम जा रहे हैं बांडीपोरा, श्रीनगर से बांडीपोरा। अभी जब हैं हम बांडीपोरा में इंटर हुए हैं, तो ये जो है बांडीपोरा का रोड पहले इतना अच्छा था नहीं, तो अभी बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है, तो टाइम भी कम लग रहा है। ज़्यादा दूर नहीं है, बस 50-60 किलोमीटर दूर है ये बांडीपोरा हमसे, श्रीनगर से 20-22 किलोमीटर तो वहाँ गए, 20-22 किलोमीटर तो हमने क्रॉस कर लिया है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। अभी हम जो है आज बड़े ही इंटरेस्टिंग शूट पे जाने, पहला दिन है आज मेरा सुमित जी के साथ, तो बड़ा ही इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग, तो काफ़ी मज़ा आएगा, बने रहे वीडियो में, थैंक यू। गाइस, ये भाई जो है ना, इनका नाम है राही इश्फाक, और इनका मेरे साथ पहला शूट है, मतलब मेरे को मेरे फ्रेंड तो थे ही, बट हमने ये वाला एपिसोड मैंने सोचा कि मैं इनके साथ स्टार्ट करूं। तो आगे आने वाले वीडियोस में ये आपको मिलेंगे, दिखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि शायद हम, हो सकता है कि एक नया चैनल भी खोलें, ठीक है, इसका नाम होगा एक्सप्लोरिंग बुलार, या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ऐसा प्लान है, ठीक है। तो वो जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, और ये राही भाई और मैं, हम दोनों मिलके करेंगे उस चीज़ के ऊपर काम, ठीक है। तो अभी के लिए आप इन्जॉय कीजिए, ठीक है, और जितने भी मेरे नए व्यूअर्स मेरे पहले वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, हंगर टू एक्सप्लोर, जो मेरा ऑलरेडी चैनल है, और सब्सक्राइब कर लेना, बेल दबा के ऑल दबा देना, ताकि सारे वीडियोज़ आपको मिलें, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं बांदीपुरा, तो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो, ठीक है, एंड वीडियो को एंड तक देखना, बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छा व्यूज़ है, ठीक है। बाकी राही भाई, आप यहाँ पे हो, यहीं के हो, आप बताओ व्यूअर्स को। बांदीपुरा है, उसको बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है, और हमारा जो है वलर के ऊपर जो हमारा प्रोजेक्ट है बड़े, इस पे जो हमने बुक लिखी थी वोलर द वंडर लेक, उसको पब्लिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो है बुक्स आजकल पटरी पे बिकती है और शूज़ जो है वो शीशे में बिकते हैं। मैं चाहता हूँ जो हम मेरी जो बुक है वो आपके स्क्रीन पे आए और आपकी स्क्रीन से आपके दिल में उतरे। मैं चाह रहा था कि इस बुक को मैं शूट ही करूँ, पब्लिश ना करूँ फ़िलहाल, जब तक इसको देखने वालों से ज़्यादा इसके पढ़ने वाले बने। तो वोलर जो है एक बड़ा ही इसके अंदर एक वाइब आती है, बड़ी खूबसूरत वलर है, और इसकी एक अपनी स्टोरीज़ है, एक स्टोरी नहीं इसके लाखों करोड़ों स्टोरीज़ है इसमें बसी हुई हैं, तो हम उसको एक बड़ी इंटरेस्टिंग वे में शूट करने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आएगा उसको शूट करने में, आपको देखने में भी मज़ा आएगा। तो ये जो है श्रीनगर से बांडीपोरा का रास्ता है, थोड़ा पतला रास्ता है पर चलता है, कोई बात नहीं। तो चलिए वीडियो में बने रहे, और डू सब्सक्राइब द चैनल, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हम दोनों को, तो डू सब्सक्राइब और एंड तक बने रहे हमारे साथ, थैंक यू। गाइस, अगर आप ये देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह है श्रीनगर में, श्रीनगर से मतलब थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, ये 15-20 किलोमीटर दूर होगी, इसे बोलते हैं मानसबल लेक। देखिए ये मानसबल लेक है, और वहाँ जहाँ आप देख रहे हैं वो पेड़ नज़र आ रहे हैं ना, उसके आगे जाके ना उस तरफ मानसबल पार्क है, ये एशिया का सबसे गहरा लेक है, डीपेस्ट लेक इन एशिया, मानसबल लेक। तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का, श्रीनगर से कोई 15-20 किलोमीटर दूर है, 20-22 किलोमीटर, तो मैंने सोचा मैं कवर करूं इसको।
और गाइस यहाँ पर जो वो हम क्या बोलते हैं उसको दिल्ली में तो भे बोलते हैं ना, भे सब्जी जो होती है, और शायद कश्मीर में नदरू बोलते हैं, नदरू। तो सबसे ज़्यादा नदरू ना इसी लेक में से निकलता है, जो शायद पूरे श्रीनगर में या कश्मीर में जाता होगा तो सारा नदरू इसी में से निकलता है, जिसे शायद हम लोग भें भी बोलते हैं, जिसकी सब्ज़ी बनती है, क्रीम कलर का लंबा लंबा होता है तो काट के सब्ज़ी बनती है उसकी, तो इसी लेक से निकलता है वो। तो गाइस ये है सुदरकुट बाला, ये जो पहाड़ है यहाँ से ही पूरे कश्मीर में जो है पत्थर जाती है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, कोई भी इमारत बनानी है उसमें यूज़ करते हैं, तो यहाँ से ही सारा कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो अभी इस पर बैन लगा हुआ है, अभी यहाँ पे जो है रोक दी गई है, यहाँ से अभी नहीं ले जा सकते हैं आप पत्थर वगैरह, लेकिन जब सीज़न आएगा तो आप यहाँ से जो है पत्थर ले जा सकते हैं। अभी तो यहाँ पे बैन लगा हुआ है। तो ये जो गाड़ी श्रीनगर जा रही है, ये श्रीनगर रोड है, ठीक है। तो इस साइड से आप श्रीनगर जा सकते हैं, जो यहाँ से आप ये बांडीपोरा हो गए, ठीक है, इस पहाड़ से घूम के आपको आना पड़ेगा। तो ये पत्थर का पहाड़ है, यहाँ से ही सारा कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, जितने भी पत्थर यहाँ पे जाते हैं पूरे कश्मीर में, ठीक है। पता है ना, फिर वो दिखता है क्यों नहीं होता, जो हॉलीवुड में जो रोड्स नहीं होती तो वो दिखती है, फिर वो उसके बाद पतझड़ होता है तो वो हाँ वो बड़ा हो जाते हैं। तो विंटर में ना सब कुछ बीका बीका पड़ जाता है। अच्छा देखो पेड़ों का, तो जब एक ग्रीनरी आती है ना यहाँ से तो बड़ा बड़ा प्यारा लग दिखता है यहाँ से। अगर आप देखोगे जब आप गर्मियों में आओगे ना हमारे पास तो बड़ा ही दिखेगा। तो यहाँ का व्यू जो अगर आप गर्मियों में आओगे ना, जब यहाँ पे ग्रीनरी होती है समय जी, तो बड़ा बड़ा खूबसूरत दिखता है यहाँ से। ये बर्फ अगर आप देख पा रहे हैं तो टॉप पे बर्फ रिसेंटली टॉप पे पड़ी हुई है, शायद आज रात को ही पड़ी होगी। मैं तो बड़े 2-3 महीने बाद इधर आया हूँ। ये बस जो है बांडीपोरा या श्रीनगर से आ रही है बांडीपोरा, तो दिन में 3 से 4 बसेज आती है, आप उनमें भी आ सकते हो अगर आप बांडीपोरा आना चाहो, ठीक है। दिन में 3 से 4 बसेज आती है बांडीपोरा की। इधर आओ, हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ, और आपका क्या है? इरफान। आ जाओ, ये इसका नाम क्या है? इसका छुटकू का साहिल। इरफान, साहिल, साहिल, आसिफ, आसिफ। हेलो कर दो। ये देखो, ये स्नो पड़ी है कल रात को, अभी पूरी नहीं पड़ी है लेकिन फिर भी ना बड़ा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, अगर आप देख पाएंगे बड़ा ही खूबसूरत है यहाँ से। ये बांदीपुरा के पहाड़ है ना? हाँ, ये बांदीपुरा के पहाड़ है, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ से। ब्यूटीफुल यार, हाँ बहुत खूबसूरत है, पूरे पहाड़ों पे पड़ गई बर्फ। हाँ जी, ये देखिए अभी भी फॉग है वहाँ पहाड़ों के ऊपर, इसका मतलब है कि अभी और भी बर्फ पड़ सकती है वो बिल्कुल ऊपर टॉप पे। ये अभी फ्रेश पड़ी है। हाँ, ये फ्रेश पड़ी है।
भाई भाई क्या दिख रहा है यहाँ से? यहाँ से एक उसका भी शूट हुआ है, एक सॉन्ग है बहुत ही फेमस सॉन्ग है कश्मीर का, उसको इधर से शूट किया है। ये ग्रीन पत्थर है ना, बड़े अच्छे लगते हैं गर्मी में ना, इन पे वो आते हैं। जबरदस्त।